Welcome to the channel. Explore the learning. Hope you all be fine. Let's create an AI-based video using magical Canva tools. Don't forget to hit the like button if you like the video. alaikum viewers. Welcome to the Canva tutorials. Viewers, क्या आप भी इस तरह की AI videos generate करना चाहते हैं? तो ये video आपके लिए बहुत useful होने वाली है. Video को end और अगर पसंद आए like जरूर व्यूवरस कैनवा का एक बहुत ही अमेजिंग ए टूल है जिसके ज़रिए आप ए बेस्ड वीडियो जनरेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी और प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लूँगी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ एप्स पर जाने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं डी आई डी की ऐप मौजूद है आप अगर ये सामने अवेलेबल ना हो तो सर्च बार में डी डी टाइप करके इसे सर्च भी कर सकते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको क्रिएट करना है अपना एक अकाउंट अपना अकाउंट आप इस ए आई प्रेजेंटेटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे देन आप ये वीडियोज क्रिएट कर सकते हैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपका अगर तो पहले से अकाउंट है तो सिंपली आप यहाँ ई मेल एंटर करके पासवर्ड एंटर करके लॉग इन कर लेंगे बट अगर आपके पास अकाउंट नहीं तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप अपना ई मेल टाइप करेंगे एंड देन नेक्स्ट आप कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ कर लेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ओपन कैनवा ऐप तो आप देख सकते हैं कि अब ये कैनवा की इस ऐप के साथ मेरा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है और मुझे यहाँ डिफरेंट करेक्टर शो हो रहे हैं आप अपने प्रेजेंटेटर के तौर पर जिस करेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं सिंपली आप उस पर क्लिक करें और उसे सेलेक्ट कर लें यहाँ पर आपने लिखना है वो टेक्स्ट जो आपका ए आई प्रजेंटेटर बोलेगा उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप करेक्टर की वॉइस चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसकी वॉइस का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं जब आप ये सारी सेटिंग्स कर लें देन आप प्रीव्यू करके उसकी आवाज़ सुन सकते हैं उसको चेक कर सकते हैं और अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट अगर आप कंप्लीटली अपनी सेटिंग्स से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप जनरेट प्रेजेंटेटर पर क्लिक करेंगे ये आपके 20 क्रेडिट आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास जिनमें से हर एक वीडियो जनरेट करने पर एक क्रेडिट यूज़ होगा मैं यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं ये वीडियो जनरेट हो गई है अब इस वीडियो की आपने सेटिंग्स करनी है इसे रीसाइज करना है इसका वॉल्यूम एडजस्ट करना है इसके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है इसको एडिट करना है आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल हैं आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक फ़िल्टर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रेजेंट पर और उसके बाद प्रेजेंट फुल स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद इसको प्रेजेंट कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि आपका करेक्टर आपकी एआई बेस्ड इस वीडियो में क्रिएट हो चुका है और आपने जो टेक्स्ट लिखा था ये वही रिपीट कर रहा है यहाँ से हम प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स चेंज करके आपने प्रेजेंटेशन पर जितनी भी इफेक्ट्स ऐड करनी है इस पर एनिमेशन लगानी है टेक्स्ट वगैरह जो भी आपकी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो सेटिंग्स करने के बाद अपने इसको अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में आपने इसे डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे हम शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे पी स्टैंडर्ड सेलेक्टेड है फाइल टाइप बट यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी शो हो रहा है कि पी में ये वीडियो प्ले नहीं होगी PPTX पी में भी आप देख सकते हैं यहाँ शो नहीं हो रही हम एम पी फोर वीडियो यानी अगर आपने अपने ए आई प्रजेंटेटर को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया है या उसमें किसी भी किस्म की वीडियो मौजूद है तो आपको उसे एम पी फोर वीडियो के फॉर्म में डाउनलोड करना होगा तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी वीडियो डाउनलोड हो रही है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसकी डाउनलोडिंग प्रोग्रेस और जैसे ही आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से आपके सामने ये सेव एज मेन्यू अपेयर होगा कि आपने अपनी जो वीडियो डाउनलोड की है उसकी लोकेशन उसका नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड देन सेव कर सकते हैं उसके बाद अब ये देख सकते हैं मैंने इसे सेव किया है डाउनलोड्स के फोल्डर में और मैं इसे प्ले करके देखती हूँ सो व्यूअर्स हेयर इज़ द फाइनल वीडियो ए आई टूल से बगैर आप अपना फेस शो यूज किए ए आई वीडियो जनरेट कर सकते हैं कुछ भी टेक्स्ट जो आप यूज करना चाह रहे हैं आप इसमें लिख सकते हैं और बताती चलूँ कि कैनवा आपको ए आई वीडियोज के लिए वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी लैंग्वेजेसोर्ट करता है यानी आप एक सौ बीस लैंग्वेजेज में ए आई वीडियोजनरेट कर सकते हैं मैं बताती चलूँ की ये फीचर आपको सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पर अवेलेबल है कैनवा के मोबाइल एप्लीकेशन में आप डी जनरेट नहीं कर सकते। जी तो ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस फीचर को ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें दूसरों के साथ शेयर कर दें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहे वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह